प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेजॉन प्राइम वीडियो सीरीज सेटरडेल में नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उनसे कई बार पूछा जा चुका है कि उन्होंने बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्मों में काम करना क्यों बंद कर दिया। प्रियंका लगातार अपने इंटरव्यूज में इंडियन फिल्म मेकर्स के काम करने के तरीकों पर बात करती रहती हैं। इससे काफी हद तक साफ हो जाता है कि उन्होंने हॉलीवुड का रुख क्यों किया है। अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने करियर की शुरुआत का एक किस्सा बताया, जब उनकी फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि फिल्म के सीन में उनकी अंडरवेयर नजर आए। प्रियंका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2002 में आई तमिजन नाम की तमिल फिल्म से की थी। इसके अगले साल उन्होंने हीरो द स्पाई में अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया। इस बीच वो एक और फिल्म में नजर आने वाली थी जिसमें उनका रोल अंडरकवर ऑफिसर का था, मगर कुछ ऐसी बात हो गई कि उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी, उसके पैसे भी वापस कर दिए। प्रियंका ने द जोए रिपोर्ट नाम के एक पोर्टल को इंटरव्यू दिया और उसमें बताया, ये शायद 2002 या 3 की बात होगी, मैं एक अंडरकवर हूँ, मैं एक आदमी को रिझाने की कोशिश कर रही हूँ। जाहिर तौर पर अंडरकवर होने के बाद लड़कियाँ यही तो करती हैं, मगर उस आदमी को सेड्यूस करते हुए मुझे अपने बदन से एक एक कपड़े उतारने हैं, इसलिए मैंने कपड़ों की परत चढ़ा ली। इतने में उस फिल्म मेकर ने कहा, नहीं, मुझे उनकी अंडरवेयर देखनी चाहिए, वरना कोई ये फिल्म देखने क्यों आएगा। प्रियंका अपनी बात में आगे जोड़ती हैं, उसने ये बात मुझसे नहीं कही मगर मेरे सामने ही स्टाइलिस्ट को बोली। मेरे लिए वो बड़ा अमानवीय वक्त था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिस तरह से इस्तेमाल की जा सकती हूँ उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी कला की कोई कीमत नहीं है, मेरा योगदान जो मैंने किया है उसकी कोई कद्र नहीं है। इसी घटना की वजह से प्रियंका ने 2 दिन तक शूटिंग करने के बाद वो पिक्चर छोड़ दी। उनके पिता अशोक चोपड़ा ने कहा कि प्रोडक्शन ने जो भी पैसे उनके ऊपर खर्च किए हैं वो उन्हें वापस कर दें। प्रियंका ने फिल्म छोड़ने की एक और वजह बताई कि रोज उस डायरेक्टर की वो शक्ल नहीं देखना चाहती थी। तो ये तो हो गई पुरानी बात। नया अपडेट ये है कि प्रियंका के हाथ इन दोनों फिल्मों से भरे हुए हैं। वेब सीरीज सेटरडेल के अलावा उन्होंने लव अगेन नाम की फिल्म में काम किया। आने वाले दिनों में वो फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा में काम करेंगी। इस फिल्म में प्रियंका के साथ कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी दिखेंगी। उसके बाद वो हॉलीवुड फिल्म हैंड्स ऑफ स्टेट में नजर आएंगी। इस फिल्म में जॉन सीना और इद्रिस एल्बा भी अहम भूमिकाओं में होंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथ ही श्वेतांग शेखर ने। मैं हूं गरिमा। सिनेमा जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।